तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पेज नंबर 87 क्लास 6 का मैथमेटिक्स है, लेट्स वर्क आउट चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और शेयर करेंगे तो दूसरे को भी हेल्प होगा। एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, लेट्स डू मेंटली। हाउ मच इज हाफ ऑफ ₹10? नंबर में चलते हैं। हाउ मच is half of ₹10? ओके, तो इसको क्या करना है, अपने को हाफ ऑफ ₹10 इसको नीचे उतार देंगे। अभी इसको क्या करना है, हाफ इंटू एन, इसको काटा काटी कर देंगे। 2 5s are 10 इक्वल टू ₹5। दैट इज बी नंबर में चलते हैं। हाउ मच इज अ पार्ट ऑफ ₹25? इसको भी सेम करेंगे, देखिए बच्चों, 1/5 ऑफ ₹25। वापस से करते हैं, 1/5 इंटू 25, 5 से काट देंगे, 5 5 5 आंसर ₹5। ओके, सी नंबर में चलते हैं। ये देखिए, 1/3 ऑफ हाउ मच इज ₹4, राइट, कि एक्स पकड़ लेते हैं, लिख लेते हैं 1/3 एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू, ठीक है। अभी इसको इस पार से उस पार, बच्चों मैंने आपको कितने बार सिखाया है, देखिए क्लास 5 से मैं सिखाते आ रही हूँ। इसको जब इक्वल टू होता है तो इसको अपने को इस पार ले जाने के लिए साइन एकदम चेंज हो जाता है। तो एक्स को जब हम यहाँ रखेंगे और ये इंटू का साइन है तो अपने को क्या करना है, भाग में कन्वर्ट होगा, है ना। और जब भाग में कन्वर्ट होगा तो क्या करेंगे, इसको एकदम उल्टा जाता है, तो इसका x का मान कितना बाहर हुआ है, तो x इक्वल टू 12, दैट इज आंसर। ओके, देखिए अभी इसको लिखेंगे, देयर फॉर टोटल लेंथ इक्वल टू 6 × 6 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, दैट इज। ओके, देख लीजिए, ई नंबर में चलते हैं। आई हैव टेकन 1.5 पार्ट ऑफ मैंगो फ्रॉम मालस बास्केट ऑफ मैंगो। इफ आई हैव टेकन 7 मैंगो, हाउ मेनी मैंगोज माला हैड इन हर बास्केट, लेट्स फाइंड इट। तो इसमें बोला है कि इतना, मैंने इतना 1/3 पार्ट मैंगो है माला के बास्केट में, यदि 7 मैंगो, इसी में से 7 मैंगो हम लोग अगर ले लेते हैं, इफ़ आई हैव टेकन, मैं अगर 7 मैंगो ले लेती हूँ तो माला के बास्केट में कितना मैंगो रह जाएगा। लिखते हैं अपने, क्या लिखेंगे, टोटल मैंगो ऑफ 1/3 इक्वल टू 7। जैसे इसमें किया है, अगर x पकड़ के करेंगे तो भी हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये कर लिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 इंटू एक्स इक्वल टू 7, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको इस पार में ले जाने के लिए x को इधर ही रखेंगे और लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई, इंटू है तो साइन एकदम चेंज हो जाता है, एक्स इक्वल टू 7 × 3 इक्वल टू 21, दैट इज आंसर। ये एक एक एक्स पकड़ के हुआ, इसको भी मैं समझा देती हूँ। इसको 1/3 इक्वल टू 7 अगर इस तरीके से ये और लिख देती हूँ, दोनों में से एक कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको ले जाते हैं, तो इसको अगर बोलते हैं टोटल मैंगोज इक्वल टू
सेवन इंटू ये डिवाइड है तो एकदम डायरेक्ट वहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो 21 मैंगोज। ओके दैट इज, इसमें भी मैंगोज लिख देंगे। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने समझा दिया, या आप एक्स पकड़ के करिए या तो ऐसे करिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, एफ में चलते हैं। ये क्या बोला है, ये दे दिया है इफ इन द एवब चार्ट, मैंने ऊपर का ये चार्ट जो दिया है, 2/7 पार्ट ऑफ ऑल सर्कल, सर्कल जो है 2/, ये देखिए पूरा सर्कल जो है टोटल कितना है, 2/7 है। सर्कल विल बी कलर्ड रेड, यदि इसको रेड से करा जाएगा, ऐसे ऐसे करके रेड मैंने आर करके लिख दे रही हूँ सब में, आर आर है ना, रेड रेड रेड। ठीक है, चल है रेड 3 and 5 पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विल बी कलर ग्रीन, इसको ग्रीन, अगर इसको ट्राइंगल जो है 3/, ये ट्राइंगल जो है कि क्या है, ग्रीन में इसको अपने ट्राइंगल को जी लिख सकते हैं, इसको जी लिख सकते हैं, इसको जी लिख सकते हैं, है ना, ये समझ लीजिए, ऐसे जी लिख लीजिए। ठीक है, तो और बोला है ग्रीन एंड 1/7 पार्ट ऑफ ऑल, तो इसको ब्लू कलर करने के लिए बी लिख सकते हैं अपने सब में, है तो ये कितना क्या होगा, ये अपने को लिख के बताना है। ठीक है, लिख लेते हैं एफ नंबर क्वेश्चन, रेड कलर्ड ग्रीन कलर ब्लू कलर कितना कितना है, वो 2/7 3/5 और ये है 1/7। ये अपने ने कॉपी कर लिया है। अभी टोटल कितना है चलिए देखते हैं, सर्कल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राइट, तो 7 कर लेते हैं टोटल, इसका रेड कलर के साथ में डायरेक्टली कर लेते हैं, इक्वल टू 7 into 2/7, ये 7 7 कट जाता है, इक्वल टू 2 आंसर होता है। ठीक है, 7 ये, अब इसके साथ में देख लेते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो इसको करते हैं 10 into 3/5 इक्वल टू, ये काट देंगे अगर तो कट जाएगा, तो 2, 6 ये 6 होगा। अभी इसके साथ में देखते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है 7, तो अपने करेंगे इसके साथ में 7 into 1/7 काट देने से इक्वल टू 1 ये होगा आंसर। नंबर में टुडे फादर हैज ब्रॉट 10 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय ट्यूबवेल, आज पापा लेके आए हैं आसपास के कोई ट्यूबवेल जो है उससे 10 लीटर पानी, एंड मदर यूज्ड 1/5 पार्ट ऑफ वाटर फॉर कुकिंग एंड 1/4 पार्ट ऑफ रिमेनिंग वाटर वॉज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पोज, तो बोल रहे हैं कि मम्मी ने यूज़ किया है 1/5 पार्ट ऑफ पानी का कुकिंग मैंने खाना बनाने में, 1/4 पार्ट रिमेनिंग पानी पीने के लिए जो बचा हुआ है यूज़ किया है, लेट अस फाइंड हाउ मेनी लाइट्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट, चलिए देखते हैं कितना पानी अभी और भी बचा हुआ है। फादर ब्रॉट 10 लीटर ऑफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर, ओके, मदर यूज फॉर कुकिंग 1/5 पार्ट एंड 1/4 पार्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ओके। नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखेंगे फादर वाटर यूज्ड इन कुकिंग कुकिंग इक्वल टू 10 × 1/5 इसको काट देंगे कितना होगा 2 इक्वल टू 2 लीटर किस में यूज हुआ है कुकिंग में हुआ है ठीक है वाटर यूज्ड इन ड्रिंकिंग इक्वल 2 लीटर हो गया अभी 10 से 2 माइनस करके इसके बाद में यूज करेंगे 1/4 इक्वल टू 8 × 1/4 इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 इक्वल टू 2 लीटर ऑफ वाटर ठीक है अभी इसमें बोला है कि टोटल टोटल कितना लेके आए 10 लीटर लेके आए हैं तो 10 लीटर के साथ में अपने को ये 10 लीटर लेके आए हैं पापा और अपने को यूज किया है मम्मी ने ये 2 और ये 2 इक्वल टू दोनों को अपने जोड़ देंगे लीटर तो कितना होगा 10 − 4 लीटर अभी इसको करके 6 लीटर बचा हुआ है ठीक है ये होगा आंसर लिखेंगे क्या लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर लेफ्ट लिखेंगे 6 लीटर ऑफ वाटर इज लेफ्ट ठीक है ये होगा आपका आंसर लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ इसको सभी को सिंपल है दे हैं मैथ चलिए करते हैं ये इसको जाएगा नहीं तो 3 × 6/11 तो कितना होगा ऊपर ऊपर में मल्टीप्लिकेशन होगा कितना होगा 18/11 काट देंगे तो कितना होगा 18/11 1/7/11 आंसर लिख देती हूँ 1/7/11 दैट इज आंसर 11/22/3 इसको डिवाइड करेंगे 22 के साथ 21 7 टाइम जाएगा 1 1/3 इक्वल टू 7 होल 1/3 दैट इज आंसर देखिए 7/3 × 2 2 होल 3/2 है तो इसको 7/3 करेंगे इसके साथ में इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 2 = 4 5 6 7 7/2 ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया 49 3 × 2 = 6 इसके साथ डिवाइड किए 6 × 8 = 48 1 रिमेन हुआ ये होगा आंसर ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं ये देखिए कटेगा क्या ये 2 से कटेगा 2 × 4 = 2 3 = और कटेगा नहीं कटेगा 3 × 3 = 9 4 × 4 = 16 ये होगा आंसर ठीक है अभी नेक्स्ट में चलते हैं 6 इसके साथ में इसको काट देंगे 7 × 7 7/ ये 3 से कटेगा 3 × 3 = 2 इक्वल टू 2/7 ये भाग नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है नीचे का इसके बाद में इसमें चलते हैं 15/28 × 2 2 3 = 6 and 7 7/3 अभी ये किसी यस कटेगा 3 × 3 = 3 5 अभी ये कटेगा 7 × 7 7 × 4 = इक्वल टू 5/4 इक्वल टू इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 होल 1/4 आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं 13 × 60/13 × 7/5 = 35 36 × 37 = 38 39 39 × 39/5 ये 5 से कट जाएगा 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 ये कटेगा 3 × 3 3 × 3 = 9 इक्वल टू 12 × 3 = 36 इसमें करते हैं 5 × 2 = 10 11 × 12 = 13 13/5 × 6 ये काटेंगे नहीं कटेगा नहीं क्योंकि इसको 6 से करेंगे 6 × 3 = 18 कैरी 1 6 एंड 7 13 × 6 = 78/5 इसके साथ में हम भाग देंगे 78 के साथ 5 × 5 = 2 8 यहाँ पर होगा 25 फाइव टाइम जाएगा ये 3 3/5 दैट इज ये आपका कंप्लीट हुआ अ बास्केट होल्ड हाफ लीटर ऑफ वाटर एक बास्केट में हाफ लीटर पानी है लेट
us calculate how much water such a 7 basket can be hold. 7 basket, एक basket में यदि half liter है तो 7 basket में कितना पानी आएगा, ठीक है? तो तीन नंबर में चलते हैं. 1 basket लिख सकते हैं, a basket hold half liter of water, ठीक है? और 7 basket can hold equal to 7 into half, है ना? इसको equal to 7 by 2 लीटर आएगा. अभी इसके साथ में भाग करेंगे, जब 7 by 2 को आप इधर से कर सकते हैं, 3 1 1 by 2 लीटर पानी पकड़ेगा, ठीक है? ये हुआ आंसर. आफ्टर रिटायरमेंट अखिल बाबू डोनेट 1/4 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. रिटायरमेंट होने के बाद अखिल बाबू ने एक 1/4 पार्ट अपने प्रॉपर्टी में से लाइब्रेरी को दान दे दिया. 1/6 पार्ट ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टी वॉज गिवेन टू हिज वाइफ. 1/6 पार्ट उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया है. एंड रेस्ट वॉज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग हिज टू सन्स. मने जो मने समझिए, ठीक से देखिए, लोकल लाइब्रेरी को इतना पढ़ दिया है, इतना बीबी को दे दिया है, और ये दोनों को देने के बाद जितना बचता है, रेस्ट ऑफ रेस्ट लिखा है ना, रेस्ट वॉज जो बचा हुआ है प्रॉपर्टी, उसमें से दोनों बेटा को समान भाग में बांट दिया है, ठीक है? लेट अस कैलकुलेट. चलो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं. व्हाट पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी वॉज गिवेन टू हिज वाइफ एंड ईच ऑफ टू सन. देखते हैं कि बीबी और उसके दोनों बच्चे को कितना मिला है. लिखते हैं टोटल कितना प्रॉपर्टी है, ये हमें पता नहीं है ना, पहले लिखेंगे. टोटल प्रॉपर्टी इक्वल टू 1, ठीक है? टोटल प्रॉपर्टी इसमें से ही उन्होंने सबको डोनेट किया है. तो देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वल टू 1 - 1/4 इन लोकल लाइब्रेरी, ठीक है? इसको पहले सॉर्ट आउट करेंगे. इसको देखिए, 4 होगा, आप लोग को तोड़ तोड़ के बता रही हूँ. 4 - ये 4 से 4 डिवाइड होगा तो ये 1 होगा, इक्वल टू 3/4 पार्ट. अभी 1/6 पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी वाज गिवेन. 1/6 पार्ट, देखिए 1/6 पार्ट उन्होंने अपनी वाइफ को दिया है, तो 1/6 पार्ट ऑफ गिवेन टू हिज वाइफ. ओके, वाइफ गेट इक्वल टू 1/6 ऑफ ये पार्ट से, ठीक है? 3/4, ठीक है? अभी इसको अभी हम लोग कर देंगे, काटने से कितना होगा, 3 2 जा इक्वल टू कितना होगा, 1/4 2 जा 8 पार्ट. ओके, इतना दूर तक बच्चों समझ में आया है? अभी लिखेंगे देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वल टू 3/4 - 1/8. मैंने समझिएगा बहुत अच्छे से, एक प्रॉपर्टी है ये, वन एक प्रॉपर्टी है, उसमें से लोकल लाइब्रेरी को दिया है, इसमें कितना दिया है, 3/4 पार्ट, ठीक है? अभी इसमें से देने के बाद में इतना बचता है, अभी इतने में से अपनी बीबी को देता है 1/6 पार्ट,
तो इसको इसमें से इसको दिया है, इसीलिए काट कूट के जितना भी निकलता है इतना पार्ट निकला है। अभी ये दोनों में से जो बचेगा वो दोनों बेटे को दिया जाएगा। तो इसको पहले हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। इसका एलसीएम 8 होगा, इसका 6 होगा, माइनस 1 इक्वल टू 5/8 पार्ट। ये समझ में आया? ये दोनों का एलसीएम किए, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, 2 होगा, 4 2 जा 8। अभी जो 2 हुआ, 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा 3 से, 3 2 जा 6, और ये 8 से 8 1 ही होगा, तो 1 इतना पार्ट होगा बचा हुआ प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी ये बचा हुआ प्रॉपर्टी में से दोनों को देना है, तो लिखेंगे 5/8 पार्ट डिवाइडेड बाई 2 सन। ओके, अभी देयर फॉर ईच सन विल गेट इक्वल टू 5/8 डिवाइडेड बाई 2। दो जन है इसीलिए डिवाइड करे जा रहा है ना, तो इसको 5/8 इंटू 1/2 इक्वल टू 5/16 राइट पार्ट की लाइब्रेरी को मिला है इतना, और रिमेनिंग पार्ट जो हुआ है उसमें से डिवाइड माइनस किए हैं, माइनस करने के बाद 1/8 पार्ट दिया है लोकल लाइब्रेरी को, इतना में से दिया है बीबी को, इसके इसमें से बीबी को दिया है। अभी इतना जो बचा है दोनों भाग बेटा को भाग कर दिया गया है समान भाग में, तो बेटा को मिला है ये पार्ट। तो ये हो गया आंसर, दैट इज ठीक है। नंबर 5 में चलते हैं। फ्रॉम हाफ पार्ट ऑफ रुपीज 150 हाउ मच इज टू बी टेकन अवे फ्रॉम दैट ओनली रुपीज 30 इज लेफ्ट। 6/5 नंबर लिखते हैं, हाफ पार्ट ऑफ रुपीज 150 इक्वल टू हाफ इंटू 150, इसको काटने के बाद में अपने को आएगा 7 जा 5 जा इक्वल टू 75। ठीक है, रुपीस लिखेंगे, रुपीस 75। ठीक है, देयर फॉर रुपीस 75 कितना बोला है, 30 माइनस 30 इसके साथ में अगर अपने को करेंगे तो कितना होगा, रुपीस ये 545 रुपीस इज टू बी टेकन अवे। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर लास्ट कर रही हूँ 5, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये और भी अपलोड कर दूंगी। 5 तक हुआ है, नेक्स्ट कितना दूर तक दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।